तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोतीलाल नेहरू कॉलेज के बारे में, इवनिंग के बारे में बताऊंगा, मॉर्निंग के बारे में बताऊंगा, प्लेसमेंट भी बताऊंगा, कैंपस टूर भी कराऊंगा, सोसाइटीज के बारे में बताऊंगा, सीयूटी स्कोर भी बताऊंगा। मतलब ये ओवरऑल आपके लिए रिव्यू रहने वाला है। इस वीडियो के बाद आपको मोतीलाल नेहरू के बारे में कोई और वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। तो यार सबसे पहले मोतीलाल नेहरू कॉलेज, जिसको MLNC भी बोला जाता है, ये कोई बहुत टॉप का कॉलेज नहीं है, ना ये बहुत लोअर कॉलेज है। ये एक एवरेज कॉलेज है जो कि साउथ कैंपस में लोकेटेड है, दुर्गाबाई देशमुख साउथ कैंपस के अंदर लोकेटेड है। नियरेस्ट मेट्रो दुर्गाबाई देशमुख साउथ कैंपस है। नियरेस्ट बस स्टॉप की बात करूं तो वसंत गांव और मोतीबाग, दोनों DTC रूट आपके कॉलेज के पास में है। 200 मीटर की दूरी पे आपको दोनों बस स्टैंड देखने को मिल जाएंगे। अब यार सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ CUET स्कोर के बारे में, देन प्लेसमेंट रैंकिंग के बारे में बात करते चलेंगे। तो CUET स्कोर की बात करूं तो 450 के अंदर आउट ऑफ 800 ये कॉलेज मिल गया था BCOM ऑनर्स। हाँ, वहाँ पे कैटेगरी ST थी, बट हाँ 450 के अंदर मिल गया था। अब जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो BCOM ऑनर्स 697 पे मिला था, और 690-680 भी है तो भी चांस है कि आपको लेटर राउंड्स में एडमिशन मिल जाएगा। अब BCOM प्रोग्राम की बात करूं तो BCOM प्रोग्राम यार एटलीस्ट अगर 650 है ना, तो 650 के अराउंड आपको एडमिशन मिल जाएगा। इससे ऊपर तो सेफ है, 650 में भी चांसेस है लेटर राउंड में मिल जाए। BSc फिजिक्स ऑनर्स की बात करूं तो 280 से 300 के बीच में है। केमिस्ट्री ऑनर्स की 270 से 300 के बीच में है, तो इजिली मिल जाएगा। BSc फिजिकल साइंस की बात करूं तो 250, 260, 270 है 600 में से, तो इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। हिस्ट्री ऑनर्स की बात करूं तो 700 के राउंड नंबर आउट ऑफ 800 मिल जाएगा। 680 है आउट ऑफ 800, EWS कैटेगरी है, OBC कैटेगरी NCL है, तो यहाँ पे 680, 670 में भी मिल रहा होगा। इंग्लिश ऑनर्स की बात करूं तो 600 से कम भी नंबर है, EWS कैटेगरी, इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। 600 के अराउंड जनरल कैटेगरी तो भी आपको मिल जाएगा। अब यार CUET स्कोर के बाद बात कर लो प्लेसमेंट और रैंकिंग के बारे में। तो यार NIRF रैंकिंग की बात करूं तो मोतीलाल नेहरू लिस्टेड ही नहीं है NIRF रैंकिंग के अंदर। प्लेसमेंट की बात करूं तो यार बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना, यहाँ से 10-20% स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लेस्ड होते हैं, उसमें भी जो मेजरली स्टूडेंट्स है वो कॉमर्स बैकग्राउंड या आर्ट्स बैकग्राउंड से रहते हैं। अब यार यहाँ पे जो 2022-23 का डेटा हमारे पास नहीं है, बस स्टूडेंट्स रिव्यू है, बट 2021 का डेटा मेरे पास है। 2021 के प्लेसमेंट की बात करूं तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिक्रूटर्स की बात करूं तो 240 रिक्रूटर्स आए थे। हाईएस्ट प्लेसमेंट 18.7 लाख पर एनम गया था, और एवरेज प्लेसमेंट 6.8 लाख पर एनम गया था। अब ये जो डेटा है ना, ये 2021 का, 22-23 का कुछ ऐसा डेटा नहीं है, और जो स्टूडेंट से रिव्यू मिला है वो यही मिला है कि एवरेज प्लेसमेंट 3-4 लाख है, और हाईएस्ट प्लेसमेंट 10 लाख जो ऑन कैंपस गया था 10 लाख पर एनम गया था, और कुछ ईयर के अंदर 7-8 लाख हाईएस्ट पैकेज भी गया था। और जो रिप्यूटेड कंपनीज है ना, वो 1-2 स्टूडेंट्स को ही हायर करती है, तो वहां पे जो रेट है ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाता है। बाकी यहाँ पे मैं बात करूं जो पास्ट रिक्रूटर्स है, तो वहाँ पे यार PW भी है, डेकैथलॉन भी है, HP भी है, बायजूस भी है, इन्फोसिस भी है, बेस्ट सेलर भी है, आपको यहाँ पे शो रहे होंगे, DShow भी है, बट यहाँ पे वही सेम बात, 1-2 स्टूडेंट्स को ही रिक्रूट करते हैं। तो पास डेटा की बात करूं तो प्लेसमेंट के प्रस्पेक्टिव से उतना बढ़िया कॉलेज आप लोगों के लिए नहीं रहेगा। बाकी हो सकता है आने वाले टाइम में जो है प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ जाए, क्योंकि आपको तो 3 साल बाद प्लेसमेंट मिलना है, तो वहां पे हम कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। वैसे भी कॉलेज इंप्रूवमेंट तो कर ही रहा है। तो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज बता देता हूँ, जो बच्चे आउटसाइड दिल्ली से हैं या फिर दिल्ली से भी हैं, वो हर साल एक इशू फेस करते हैं कि भैया जो एडमिशन के दौरान है उनको डाउट्स आता है, अपग्रेड करना चाहिए या फ्रीज कर देना चाहिए, फीस कब तक सबमिट करनी है, कब तक नहीं करनी है, अगर उनको कोई इशू आ जाता है तो कैसे उसको रिजोल्व करना है, एकोमोडेशन से रिलेटेड हो जाता है, उस कॉलेज से रिलेटेड हो जाता है जो उनको मिला है। इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन निकाल दिया है, दैट इज पर्सनल मेंटोरशिप। इसके अंदर मैं आपको अब से लेकर जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता, इवन जब तक आपको एकोमोडेशन PG या हॉस्टल नहीं मिल जाता, तब तक मैं आपके साथ गाइडेंस आपको प्रॉपरली प्रोवाइड करता हूँ, इवन आगे इंटर्नशिप्स में भी आपकी हेल्प करता हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट सेक्शन दोनों के अंदर मिल जाएगा। अब बात कर लेता हूँ अटेंडेंस इशू के बारे में, इससे रिलेटेड बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं। तो मोतीलाल नेहरू कॉलेज के अंदर अटेंडेंस को लेकर एज सच कोई इशू नहीं है, जो अभी मेरे को करंट बैच से फीडबैक मिला है, तो वहां पे अटेंडेंस को लेकर कोई इशू नहीं है, बट हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर 65% मैंडेटरी कर दे, लेकिन और कॉलेज के कंपैरिजन में यहाँ पे अटेंडेंस का इशू तब भी आपको कम ही देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हम कॉलेज फैसिलिटीज की और कैंपस टूर की, जो आपको साथ साथ दिखता भी रहेगा। यार सबसे पहले बात बता दूं क्या चीज बढ़िया है इस कॉलेज में, तो लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स फैसिलिटी और कैंटीन और कैंपस काफी बड़ा है, तो ये चीजें इसके पॉजिटिव है कैंपस को लेके। लाइब्रेरी के अंदर 1 लाख+ बुक्स आपको देखने को मिलती है। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की बात करूं तो आउटडोर एंड इनडोर दोनों स्पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, कैरम, रेसलिंग, पावर लिफ्टिंग, इस तरह के स्पोर्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा NCC और NSS भी इस कॉलेज के अंदर आपको देखने को मिलता है। कैंटीन की बात करूं तो कैंटीन इसकी काफी बढ़िया, सब्सिडरी प्राइस में आपको यहाँ पे चीजें मिलती है और काफी अफोर्डेबल, और टेस्ट के मामले में भी काफी बढ़िया मेरे को यहाँ पे फीडबैक मिला है। कैंटीन यार आपको यहाँ पे दिखेगी भी, ब्यूटीफुल कॉर्नर के अंदर है, जिसमें इंडोर और आउटडोर दोनों सेटिंग्स आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा आपको कॉन्फ्रेंस हॉल, मेडिकल रूम के अलावा कॉलेज की खुद की मैगजीन भी है नवागत, जो कि एक अपने आप में बड़ी चीज है।
इसके अलावा काफी बच्चे मेरे से यार पूछते हैं कि भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी की ना फीस काफी ज्यादा लगती है हमें या फिर अफोर्डेबल नहीं लगती है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ चीज बता देता हूँ। फी कंसेशन एंड स्टूडेंट एड फंड, यहाँ पे यार फी कंसेशन प्रोवाइड करी जाती है उन बच्चों को जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से उनका सर्टिफिकेट लगता है ईडब्ल्यूएस का और उनकी जो फीस है उनको रिफंड हो जाती है। इसके अलावा जो बच्चे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं स्टूडेंट एड फंड्स भी दिया जाता है, जैसे कि बुक्स परचेज करने के लिए, क्लोथिंग्स के लिए, मेडिसिन के लिए, यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती है, लेकिन वहां पे उनका कुछ क्राइटेरिया रहता है, बट हाँ फैसिलिटी दी जाती है। इसके अलावा यार कॉलेज का आधा अधूरा कैंपस टूर तो आपको कोई भी करा देगा, अच्छी चीजें दिखा देंगे, गंदी चीजें नहीं दिखाएंगे। तो आप कैसे देख सकते हो एक एक चीज कॉलेज के एक एक कॉर्नर कैसे देख सकते हो, तो उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक लिंक दिया है यार, कॉमेंट सेक्शन के अंदर पिन किया है, जहां पर आप यहाँ पे भी देख सकते हो, जिसके अंदर मोतीलाल नेहरू कॉलेज की हर एक कॉर्नर की फोटो आपको देखने को मिलेगी, फैसिलिटी, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, ग्राउंड, बाथरूम, सारी चीज, क्लासरूम से लेके लैब से लेके सारी चीज देखने को मिलेगी आपको। यहाँ पे साइड में शो भी हो रहा होगा, लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दे दिया है, वहां से जाके तसल्ली से इसको आराम से जाके आप देख सकते हो। अब यार काफी बच्चे मेरे से पूछते हैं कि भैया मोतीलाल नेहरू इवनिंग कॉलेज कैसा और इसकी टाइमिंग क्या है। तो यार मोतीलाल नेहरू इवनिंग कॉलेज तीसरी रैंकिंग में आता है इवनिंग कॉलेजेस में। सबसे पहले दयाल सिंह इवनिंग आता है क्योंकि वो मॉर्निंग है, दूसरे नंबर पर शहीद भगत सिंह आता है और तीसरे नंबर पर आता है मोतीलाल नेहरू कॉलेज। टाइमिंग की बात करता हूँ यार, दोपहर 3 बजे से शाम 8 बजे तक क्लासेस चलती है और ये काफी यूनिक एक्सपीरियंस रहता है स्टूडेंट्स के लिए भी लेट नाइट क्लास लेना। और यहाँ पे मेजरली वो स्टूडेंट्स लेते हैं एडमिशन जो साथ साथ में सीए की तैयारी कर रहे होते हैं, किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, उनके लिए बेस्ट एक्सपीरियंस रहता है। अब एकोमोडेशन की बात कर लेते हैं कि आसपास आपको कहाँ पे पीजी सेफ और इजीली मिल जाएंगे, क्योंकि काफी बच्चे मेरे से पूछते हैं इस चीज को लेके भी और आगे आपका एडमिशन होगा तो वहां पे भी आपको जरूरत तो होगी। तो यार यार मोतीलाल नेहरू में आपका एडमिशन हो रहा हो, आर्यभट्टा में हो रहा है, रामलाल में हो रहा हो, ये 3 जगह है जहाँ पे आपको पीजी देखने को मिलेंगे। सत्य नहीं कहते हैं साउथ दिल्ली के अंदर है तो उसका जो प्राइस है वो काफी हाई रहता है, लेकिन मेनली जो साउथ कैंपस के बच्चे वहीं रहते, क्योंकि यार सत्य नहीं कहते स्टूडेंट्स के लिए हब है, वहां पे आपको हर तरह की चीजें देखने को मिलती है। इसके अलावा बसंत गुर्जर जिनका थोड़ा सा जो प्राइस है लो रहता है, उसका मुनिरका है जिसका काफी चीप प्राइस रहता है। अगर आप अफोर्डेबल लेना चाहते हो तो मुनिरका जा सकते हो, अगर आपको हैपनिंग चाहिए तो सत्य निकेतन आपके लिए वेलकम करता है। इसके अलावा यार मैं आपको कुछ पीजीज के कॉन्टेक्ट प्रोवाइड करता हूँ, उसके लिए आपको क्या करना है व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट उससे रिलेटेड मिलती रहे। आपको चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। बात कर लेते हैं मोतीलाल नेहरू कॉलेज की सोसाइटीज के बारे में। यह सोसाइटी एक ऐसा पार्ट होता है कॉलेज का जिसमें आपको जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि यार बुकिश नॉलेज के साथ साथ जो आपकी पर्सनैलिटी एनहेंस करती है, आपको स्किल्स डेवलप करती है, वो आया यार सोसाइटीज। और यहाँ पे कुछ बेस्ट सोसाइटीज के नेम मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आधार है, ड्रामा सोसाइटी, चाणक्य है, फोटोग्राफी सोसाइटी, इसके अलावा इलेक्ट्रा है, वेस्टर्न डांस सोसाइटी, मल्हार है, म्यूजिक सोसाइटी, मार्केट है, मार्केटिंग सोसाइटी, इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप है, प्लेसमेंट सेल, वुमेन डेवलपमेंट सेल भी आपको कॉलेज के अंदर देखने को मिलता है। कंप्लीट लिस्ट ऑफ सोसाइटीज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके चेकआउट जरूर कर लेना और यह सोसाइटीज का पार्ट जरूर बनना। अब यार मोतीलाल नेहरू के एक कॉलेज के स्टूडेंट से मुझे कुछ रिव्यूज मिले थे, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जैसे कि एक मोतीलाल नेहरू इवनिंग कॉलेज का बच्चा था जिसने बताया कि इवनिंग कॉलेज के अंदर प्लेसमेंट उतनी नहीं है, काफी डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि यार इवनिंग कॉलेज में मेजरली जो स्टूडेंट्स है वो प्रोफेशनल कोर्सेज की तैयारी कर रहे होते तो प्लेसमेंट उतना देखने को नहीं मिलता है। बीएससी का एक स्टूडेंट था, उसने बताया कि प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मेजरली जो है वो बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए ही है और वहां पे भी जो प्लेसमेंट आती है वो सेल्स और मार्केटिंग की ही आती है मेजरली, तो उतनी प्लेसमेंट को लेके एक्सपेक्टेशन मत रखना। एक बीकॉम का बच्चा है जिसने बताया कि जो सीनियर्स का एवरेज पैकेज है 3.5 लग गया था, हाईएस्ट पैकेज 5.5 लग गया था और लोएस्ट 2.5 लग गया था। जो टॉप रिक्रूटर्स थे वो अमेजोन, एयरटेल, मंत्रा रहे थे, लेकिन इनने जो रिक्रूट करे थे वो बहुत ही कम बच्चे करे थे। इसके अलावा जो 45% स्टूडेंट्स थे उनको एज अ इंटर्न हायर किया था कंपनीज ने, तो आप देख सकते हो डायरेक्ट जॉब ना देके उन्होंने इंटर्नशिप्स के लिए हायर किया था, ऐसा भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब कुछ रिव्यू से किया है, यह इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा पुराना है, ऑडिटोरियम फैसिलिटी नहीं देखने को मिलती है, वाईफाई है कॉलेज के अंदर बट उतने अच्छे कनेक्शंस नहीं है, हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है। कुछ अच्छी चीजें भी हैं जैसे कि बताया कि कैंटीन बहुत अच्छी है, रीजनेबल है, साउथ कैंपस की मोस्ट अफोर्डेबल कैंटीन में से आती है। इसके अलावा सारी तरह के स्पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन भी होते रहते हैं। इसके अलावा एक चीज है कि पॉलिटिकली मोतीलाल नेहरू बहुत एक्टिव है, जिसकी वजह से एक नुकसान होता है एक फायदा होता है। फायदा स्टूडेंट्स को होता है कि स्टडी मटेरियल भी वो प्रोवाइड कर देते हैं, कुछ इशू होता है कॉलेज के अंदर तो वो भी रिजोल्व होते हैं, बट
इससे जो दंगे हैं वो भी बढ़ जाते हैं, लड़ाई झगड़े भी। मोतीलाल नेहरू उस चीज को लेके भी फेमस है पॉलिटिकली। अब यार प्लेसेस की बात करूं जहां पे आप हैंग आउट कर सकते हो मोतीलाल नेहरू कॉलेज के पास, तो यार सत्या निकेतन मोस्ट फेमस प्लेस है, जहां पे आपको कैफेज, रेस्टोरेंट, पार्टी स्पॉट्स मिल जाएंगे। इजिली आप यार गेट टुगेदर वहां पे कर सकते हो, कैफेज आपको बहुत मिल जाएंगे। अब यार लास्ट में इवेंट और फेस्ट की बात करूं तो मोतीलाल नेहरू कॉलेज के अंदर दो इवेंट्स होते हैं, एक इनका होता है एनुअल कल्चरल फेस्ट, एक होता है यूथ कल्चरल फेस्ट। दोनों के नेम आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे और ये बहुत बढ़िया होता है। इवन सिद्धू मूसे वाले ने भी मोतीलाल नेहरू कॉलेज के अंदर परफॉर्म किया हुआ है, जो अपने आप में बड़ी बात है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यार हाँ इवेंट्स और फेस्ट भी मोतीलाल कॉलेज के अंदर बेटर होते हैं। तो यार अगर आपको ये कॉलेज मिल रहा है इससे बेटर नहीं मिल रहा है तो यार इसमें भी ले लेना, कोई बुराई नहीं है। आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री यहाँ से भी मिलेगी। तो यार इससे रिलेटेड और कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना, नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहते हो वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। और इतनी मेहनत लगती है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ऑल द बेस्ट।